नमस्कार साथियों, आज पुनः लहसुन की अन्य जानकारियां लेकर हाजिर हैं। लहसुन से संबंधित और जो जानकारियां हैं आपने पहले और दूसरे भाग में देखी। अब हम जानते हैं कि कमर दर्द हो, यानी जनरली हम लेडीज में देखते हैं मेंसेस पीरियड में कमर दर्द होता है, उससे छुटकारा पाना है तो आप लहसुन पाक का सेवन करें। हाई बीपी यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। यह इरेगुलर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, फूड हैबिट, इन सब की वजह से हाई बीपी होता है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए लहसुन, पुदीना, जीरा, धनिया, काली मिर्च, सेंधा नमक, इन सबको मिलाकर चटनी बना लें और डेली अपने भोजन के साथ इसको ग्रहण करते रहें। यदि कुत्ते ने काट लिया है और कुत्ता यदि निरोगी है तो तुरंत लहसुन पीस कर लगा लें, या 20 ग्राम चटनी खा लें, या लहसुन का काढ़ा बनाकर पी लें, या फिर 7 दिन तक भोजन में लहसुन की तादाद बढ़ा लें। हड्डी पर लग गई है या हड्डी टूट गई है तब लहसुन, लाख, इनको पीस कर चटनी बनाकर शहद के साथ दिन में 2 बार खाएं। 5 से 7 दिन के अंदर आपको हड्डी में आराम मिलेगा, हड्डी भी मजबूत हो जाएगी और जो टूटी हुई हड्डी है उस पर इस पेस्ट का लेप करें तो वह हड्डी भी जुड़ जाएगी। साइटिका, यह भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो उससे निजात पाने के लिए 160 ग्राम लहसुन, 1 लीटर दूध और 8 लीटर पानी में धीमी आंच पर पकाएं। जब केवल दूध शेष रह जाए तो उस दूध को पीने से आपको फौरन लाभ मिलेगा। इस तरह की नायाब जानकारियों को हासिल करके आप उनका उपयोग कर अपनी तकलीफों को दूर कर स्वस्थ रहें, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मिशन है। आप स्वस्थ, आपका परिवार स्वस्थ, और एक स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है और स्वस्थ राष्ट्र ही प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो अपनी सक्रिय भागीदारी अपने देश के प्रगति में देने के लिए शामिल हो जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।